रायगढ़ के सबसे बड़े सब्जी बाजार और डेली मार्केट संजय कॉम्प्लेक्स को नगरीय प्रशासन विभाग ने तकनीकी स्वीकृति दे दी है। निगम अफसरों का दावा है कि अगले हफ्ते टेंडर जारी किया जाएगा और जनवरी से बाजार बनने लगेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए हैं। आपको बता दें, संजय मार्केट को संवारने की योजना 2010 में बनाई गई थी। शुरुआत में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने इस योजना पर अमल होने ही नहीं दिया, अलग अलग कारणों से विरोध करते रहे, लेकिन जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो व्यापारी कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से मार्केट व्यवस्थित करने को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन और नगर निगम ने काम को मंजूरी दी, जिसके लिए विधायक प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री को भी साधुवाद दिया। जो पपुजल है, ये बहुत पुराना पपुजल है और मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इसमें ध्यान आकर्षित किया अपना खुद का, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात की, उन्होंने स्वीकृति दी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति अभी मिल गई है और बहुत शीघ्र संजय मार्केट बनेगा। संजय मार्केट के नीचे बेसमेंट में पार्किंग भी बन रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी, जो यहाँ के लोगों की बहुत प्रकृति मांग थी वो पूरा होगा।